हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और कैसे आप उसे एडिट कर सकते हो ताकि वो थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। तो इससे पहले दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वीडियोज़ के लिए, तो वो चेक करना मत भूलिए। तो अब बात करते हैं कि हम आप कैसे एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फ़ोन की हेल्प से। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे मेजर रोल आता है वो आता है कैमरा ऐप का, जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स हमारे फ़ोन में कैमरा ऐप देते हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं होते और ज़्यादा प्रो मोड नहीं होता, जिसके कारण हम उसके जो कंट्रोल है उसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर पाते। तो हमें एक ऐसी कैमरा ऐप चाहिए जो क्या है, जिसमें हम कंट्रोल्स को, फोकस को, एक्सपोजर को अच्छी तरह से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। तो जो वो कैमरा मैं अब यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जो ऐप यूज़ करता हूँ, वो है ओपन कैमरा। तो वो ओपन कैमरा ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे ये प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक बार आप जब आपने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। तो अब इसके बाद मैं आपको अपने ऐप में ले जाकर बता देता हूँ कि आप कैसे उससे अच्छी एक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाते हो। उसके बाद हम देखेंगे उसे हम एडिट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे ओपन कैमरा में। सो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि जैसे आप ओपन कैमरा को ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस जो कंट्रोल है वो आता है एक्सपोजर का और ISO का। तो ये भी जो ऑप्शन है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल स्टेबल रखना है। इसके लिए आप ट्राईपॉड स्टैंड का या कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या कि आपका फ़ोन बिल्कुल स्टेबल रहे और वीडियो बिल्कुल भी हिले ना। तो फिलहाल मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो उसके बाद देखिए, तो अगर आप इस आपके फ़ोन को इधर उधर घुमाओगे, अगर सन की तरफ लेके जाता हूँ, आप देख सकते हो नीचे सारा डार्क हो जाता है, और अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये क्या कलरफुल हो जाता है। तो अगर आप मतलब कि अगर थोड़ा सा भी आपने एडजस्ट किया तो इसके कलर सारे क्या चेंज होने लगते हैं। तो हमें क्या इसे रुकना होता है। तो इसके लिए दोस्तों, आपने क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे सन और अर्थ के बीच में कोई भी एक पॉइंट पे टैप कर देना है। अब टैप करोगे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी ब्राइट लाइट आ गई है, ये आपका एक्सपोजर होता है। इसके बाद आपने यहाँ ऊपर एक्सपोजर के साथ एक लॉक बना हुआ जो ओपन है, आपने यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर टैप कर दिया तो जो आपकी लाइटिंग है वो लॉक हो चुकी है, एक्सपोजर लॉक हो चुका है। तो जब भी आप फोन अपने फ़ोन को जिस मर्जी डायरेक्शन में घुमा लीजिए, आपका जो कलर है, जो कलर प्रोडक्शन है, वो सारी क्या सेम रहेगी। आप देख सकते हो कि सारी कलर प्रोडक्शन क्या एकदम सेम रह रही है। मैं चाहे अब इसे किसी भी डायरेक्शन में अपने फ़ोन को घुमा लूँ। तो अगर आपको इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इसे कम कर सकते हो, अगर ब्राइटनेस आपको कम चाहिए। अगर आप थोड़ा डार्क कंडीशन में शूट कर रहे हो तो आप क्या इसे यहाँ से ज़्यादा कर सकते हो, ये और ज़्यादा वाइट में चला जाएगा। चलिए इसे मैं क्या भैया यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, फोकस को। कई बार आप वीडियो शूट करते हो तो क्या फोकस क्या कई बार कहीं पर फोकस हो जाता है, जिसका ना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाता है कई बार। तो वो उसे भी हमें रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपने यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपको एक फोकस का ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप ऑटो फोकस पे करोगे तो अपने आप फोकस होने लगेगा। जैसे मैं चेंज करता हूँ ये फोकस के ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, पर इसे भी हमने चेंज करना है। आपने एक जगह पे टैप करके जिस चीज़ को आप शूट करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को शूट करना चाहते हो, तो आपने वहाँ पर टैप कर देना है और उसके बाद फिर 3 डॉट में जाके फोकस को, इस ऑप्शन से फोकस को भी लॉक कर लेना है। अब क्या हुआ, आपका फोकस भी लॉक हो चुका है। तो अब क्या, जब भी आप शूट करोगे तो जो भी ब्लर होता है सिर्फ आपकी बैकग्राउंड ब्लर रहेगी और आपका जो फेस है या जो आप जिस भी चीज़ को शूट करें वो बिल्कुल आपके फोकस में रहेगी और बहुत ही अच्छी आपको वीडियो मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग थे जो आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा बाकी सेटिंग्स आपको कुछ ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या, यहाँ से रिकॉर्ड बटन को प्रेस कर देना और आपकी वीडियो क्या रिकॉर्ड होने लगेगी। तो इसके बाद आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो एक ऐसी अच्छी सेटिंग्स में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को स्टॉप कर देना जितनी आपने रिकॉर्ड करने के बाद। तो अब जो हमारा रिकॉर्डिंग का काम वो खत्म हो चुका है। इसके बाद जो काम बचता है वो बचता है हमारी एडिटिंग का। चलिए अब हम चलते हैं एडिटिंग में। तो आपको बताता हूँ आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो वीडियोज़ की। सो दोस्तों, जो एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पे ऐप यूज़ करता हूँ वो है पावर डायरेक्टर प्रो। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में पेड ऐप है, वहाँ मिलेगा। अगर आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पेड वाला फ्री में चाहिए तो इसके लिए आप क्या है कि गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको ये पावर डायरेक्टर प्रो APK वहाँ से मिल जाएगी फ्री में डाउनलोड करने के लिए। तो एक बार आपने इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है और न्यू टैप प्रोजेक्ट को टैप करने के बाद उसके बाद आपने 16:9 ही रखना है, ओके कर देना है। और जैसे ही आपने यहाँ पे ओके कर दिया तो आपके सामने एडिटिंग की ऑप्शंस आ जाएगी और यहाँ से हमने वो वीडियो सेलेक्ट कर लेने जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। तो मैं जो ये मेरे वाली वीडियो है मैं इसे ही ले लेता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में अपनी इंट्रो डाली हुई है।
तो इसे हम एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद आपने बैक में आ जाना है, और बैक में आ जाना है तो इसके बाद जो आपको पोर्शन नहीं चाहिए आपने उसे ट्रिम कर देना है। यहाँ पे टैप एंड होल्ड करने के बाद जितना आपको पोर्शन नहीं चाहिए तो आप क्या वो उतना एडिट कर सकते हो। चलिए मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को इतना एडिट कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि इसकी कुछ कलर सेटिंग्स करनी है। उसके लिए हमने क्या, यहाँ पे आपने वीडियो के ऊपर टैप करना है। जैसे टैप करोगे आपको यहाँ पे साइड पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर हमने कलर्स में चले जाना है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक देना चाहते हो जैसा मूवीज़ में देखते हो, तो उसके लिए आप यहाँ से कोई भी प्रीसेट चूज़ कर सकते हो। जो जैसे यहाँ पे फिल्म वाला प्रीसेट है, जैसे आप ऐसे चूज़ करोगे आप देख सकते हो जो कलर है, कलर रिप्रोडक्शन वो थोड़ी अच्छी हो गई है। तो अगर आप इसमें थोड़े से और चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे या आपके यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगी ब्राइटनेस वगैरह चेंज करने की, तो आप क्या आप इसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ये ऑप्शंस ठीक लग रही है, तो ये ठीक है। और ब्राइटनेस आई थिंक कि ये ब्राइटनेस ठीक रहेगी। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे कलर्स चाहिए थे वो क्या मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिए हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे बैक आ जाना है। तो अब आप जैसे ही देख सकते हो कि आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हो कि आपकी वीडियोस की जो कलर्स प्रोडक्शन है वो क्या काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपको आपने मूवीज़ में देखा हो तो ऊपर सिनेमेटिक बार्स आती है ब्लैक कलर्स की, हम उसे ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने अगेन जाना है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ ऊपर एरो की है नीचे, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है लेयर्स के ऑप्शन में, और यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है, और सॉरी मतलब जहाँ भी आपने, मैं नीचे इसका लिंक दे दूँगा सिनेमेटिक बार्स का, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मेरा डाउनलोड में पड़ा होगा। तो मैं यहाँ डाउनलोड में जाके उस सिनेमेटिक बार्स को ऐड कर लेता हूँ, ये रहे सिनेमेटिक बार्स। तो इसे ऐड करने के बाद आपने बैक आ जाना है बैक, और आपने इस पे ऊपर टैप कर लेना। आप देख सकते हो सिनेमेटिक बार्स आ चुके हैं, और यहाँ से आप क्या उसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे उन्हें एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ से आप उसे चूज़ करना है अपने सारी वीडियो के ऊपर, उसे चूज़ कर लेना है ताकि सारी वीडियोज़ के ऊपर ही आपको सिनेमेटिक बार्स आते रहें। तो चलिए इसे कर लेता हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉइड फोन में से अच्छी क्वालिटी, तो आप जैसे देख सकते हो कि हमारी वीडियो क्या है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो चुकी है, और इसमें थोड़ी एडिटिंग करने के बाद एक है एक प्रोफेशनल वीडियो लग रही है। तो इसके बाद हमने क्या इसे सेव कर देना है, तो आपने यहाँ ऊपर एरो पे जाके प्रोड्यूस वीडियो पे कर देना है, और यहाँ से आपने सेव टू गैलरी कार्ड, और आप चाहे तो 4K तक की रेजोल्यूशन में से स्टोर कर सकते हो, और मैं फुल HD में करूँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपने फ्रेम रेट 30 FPS का ही करना है, और जो बिट रेट है वो स्मॉलर साइज का, इससे आपकी क्वालिटी की जो वीडियो की क्वालिटी वो तो HD रहेगी पर जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा। तो ये सब सेटिंग करने के बाद आपने ओके कर देना, और आप प्रोड्यूस पर टाइप कर देना, और आपकी वीडियो क्या है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो या कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।